फैमिली क्या हालचाल है, ठीक हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, आप जहाँ भी रहें खुश रहें। तो आज हमारे साथ जो मामलात हुआ है, आज बड़ा अजीब सा मामलात हुआ है, रात का हम बड़े परेशान है। तो आगे की कहानी जो है मेरी वाइफ बताती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक है। तो रात को बारिश हुई है बहुत ज़्यादा और हमारी जो छत है वो चौ पड़ी है और ये बर्तन रखे हुए थे और बेड शीट जो है वो ये भीग गई है सारी, वो इकट्ठी करके इधर रखी है सारी। मैं दिखाता हूँ, ये देख लो भी बार, ये सारा ये पानी की भरी पड़ी है, ये सारे बेड पे भी पानी है, यहाँ पानी पानी है, इनमें भी पानी पानी है। तो व्यूअर्स, ये मैं आपको बेड की हालात दिखाता हूँ कि बेड के साथ क्या हुआ है। हम रात बाहर सोए हुए थे, हमें रात बड़ी ठंड लगी है, तो इसलिए ये मट्टी है, ये मट्टी मट्टी पड़ी हुई है। ये मोहम्मद हसनैन उठा के ले जाओ, सारी ये मट्टी पड़ी है, ये वाली यहाँ पे, ये देख। अच्छा, ये सारा ये बेड आधा गीला हुआ पड़ा है, गद्दा और आधा खुश्क है। ये सारा मैं व्यूअर्स को दिखाता हूँ, आगे ये इधर लाओ, इधर लाओ, ये व्यूअर्स को दिखाओ, ये पानी पानी है सारा, ये देखो। अब ये मैं ऊपर उठा के दिखाता हूँ, ये देख लो, ये सारा पानी पानी है। मैं बड़ा परेशान हुआ हूँ इस चीज से, तो मैं इसको अब बाहर निकालने लगा हूँ। इसको बाहर निकाल देते हैं, इधर देखो ये पानी आ रहा है, नीचे इधर दिखाऊंगा, ये सारा पानी पानी आ रहा है। हम रात के काफी परेशान हुए हुए हैं कि ये हमारे साथ हो क्या गया है, ये सारा पानी आ रहा है, सारा गद्दा आधा खराब हो गया है, बिल्कुल भीग चुका है, आधा गद्दा खराब हो गया है। बात सुनो, अगर मेरी एक बात मान लो, तो ये गद्दे को आज सारा दिन ऐसा ही खड़ा रखें, हाँ ना, और ये नीचे से भी सारा खराब हुआ पड़ा है, बड़ा खराब हो गया, ये किसी का पेन भी पड़ा हुआ है। ये सारा बड़ा मसला खराब हुआ है। चलो कोई नहीं, सारे कमरे की हालत देखो, ये बारिश से हुई है ऐसी हालात कमरे की ना, इतनी बारिश, ये यहीं पे खड़ा कर दूं, सारा कमरा भीग गया हमारा, ये यहीं पे खड़ा कर दूं। हो जाएगा इधर, पता नहीं पकड़ा हुआ है अभी, बस यहीं पे खड़ा रहने, मिट्टी यहाँ से भी पानी, चलो इसको पानी सारा नीचे जाने दो ना, निकलने दो। तो अब ऊपर दिखाते हैं कि ऊपर, अब सुबह का टाइम है तो मौसम कैसा है ऊपर छत पे, और हमारी छत कहाँ से पानी अंदर आया नीचे, वो भी देखते हैं। ऊपर भी अभी बादल है, ऊपर बहुत प्यारा मौसम है, और यहाँ से ना हमारी छत जो है यहाँ से पानी जा रहा था नीचे, इस जगह से यहाँ से पानी गया है। ये मैंने आपके आने से पहले लगा रखा था, मैं सुबह सुबह आया हूँ ना ऊपर, अच्छा। तो ये मैंने आके लगा रखा था। ये क्या लगाया इस पे? ये मैंने, अब बता, अपने व्यूअर को भी बता देता हूँ, बता दे, ये जादू, ये है जादू, इससे जादू किया इसने, ये गत्ता होता है, ठीक है, इसको मैं ब्रीड ब्रीड करके ना, इसमें मैंने पेट्रोल डाला था, इस प्याले में मैंने पेट्रोल डाला था, इसके छोटे छोटे ऐसे टुकड़े करके, इतने इतने टुकड़े करके इसके अंदर फेंक दिया, ये जैसे ही फेंकते हैं ये बिल्कुल गोंद सी बन जाती है, जैसे गिलू होती है, ये गिलू बन जाती है। फिर मैंने एक चम्मच लिया है, ये वाइफ को मैंने नहीं पता लगने दिया, चम्मच ले के फिर इसको इस चम्मच के साथ ऊपर ऊपर ना सारा ये मैंने लगा दिया। ये जो आप देख रहे हैं विवर, ये सीमेंट लगा हुआ था, लेकिन इस सीमेंट से ये पानी नहीं रुका, इस सीमेंट से पानी नहीं रुका, तो इसलिए मैंने फिर ये लगा दिया है, इसको लगाया है, इंशाल्लाह अब ये इस जगह से नीचे पानी नहीं जाएगा, ये जगह मैंने महफूज कर दी है।
बहुत ही मजबूत हो गई है। अब मेरे पास थोड़ा सा ये गत्ता बच गया है, इसके साथ जो है ना थोड़ा सा पेट्रोल और लगा के तो सारी छत का मैंने जायजा लेना है कहाँ कहाँ पे लगने वाला है, तो वो लगा देना है। कितनी तो ये हमारे पौधे पौधे ये भी बारिश से खराब हुए पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं सारे। एक और काम करो ना इसको ना, ये जो आपने और मौसम दिखाओ, ऊपर बादल है अभी, ऊपर क्या ये जो इसने बादल है, मौसम बहुत प्यारा है। तो मैं रमजान से पहले ये बारिश हुई है गाइस और मौसम आज बहुत प्यारा है, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से ये दूसरी बात निकल गई है, समझ नहीं आई। तो आज मौसम माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना हुआ, दिल कर रहा है कि कहीं बाहर घूमने चले जाए, और पता नहीं अफसर साहब ले जाते हैं या नहीं ले जाते हमें। तो माह रमजान में एक अफसर रहता है, अभी उसकी भी तैयारियाँ करनी है हम लोगों ने माह रमजान की, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो क्या कर रहे हो आप? ये सारा पीछे पीछे कर रहा हूँ, जितने आपने मंडी लगा के रखी हुई है ना, सारी छत का बेड़ा गर्क कर दिया आपने, सारी छत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। मैंने क्या पे आपके मतलब के ये इतने इनके ऊपर वैसे ही आपने पैसे लगवा दिए थे मेरे, फजूल खर्ची करवानी हो तो औरतों को कहा है कि आ जाओ भाई आप हमारे साथ पे बैठ के जो जो करवाना है करवा लो, ये सारा आपने फजूल खर्च करवाया था। कौन सी आपने ये सब्जी बनाई है? आप नहीं करते, ये सारे फजूल आपने सब्जी बनवाई है। इसमें से आप मुझे ये बताए इसमें से कोई चीज निकली है? नहीं निकली, शौक पूरा करने के लिए मेरी जेब की तो ना रड़ी निकाला करो। जेब की रड़ी निकालती तो मैं कमाती हूँ, खुद ही लगाती हूँ, तेरी जेब में क्या है? ब्रश उठा के ला इसको बांध देते हैं, ब्रश उठा के रड़ी ना निकालो, मैं खुद ही कमाती हूँ, इसको पता है पार्लर का काम। अच्छा, पार्लर तो काम करती है, बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया तुमने, अच्छा किया। शर्म कर, तो मेरा बेटा है, शर्म कर। बेटा तो ये तो नहीं कि उसके बाबा के साथ, उसके बाबा के साथ तुम जो मर्जी करते रहो। बाबा को मैंने क्या कहा है, बाबा गलत बात बोल रहा था इसलिए मैंने कह दी चलो बाबा आज मेरे साथ बैट बॉल खेलो। क्या बैट बॉल? अच्छा मैं खेलता हूँ यार, ये सारा जो बिखरा पड़ा है ना कचरा वगैरह ये उठा लेना, इतने तक मम्मा के साथ खेल लो थोड़ा सा। मम्मा को खेलना आता है? आप बोलेंगे बंद कर दो छक्का, शायद अफीदे ने छक्का मार दिया। लाइट अफीदे की छक्का देखना अब गाइस, अब छक्का देख मारता। चलो मामा कौन है? छक्का। अब पापा बोली, अब इमरान खान बॉलिंग पे आ रहा है और शायद अभी मैं से आउट कर दूंगा इमरान खान को, आउट है। छोटे होते तो बड़े खेलती थी मेरे साथ, वो छोटे होते की बात थी ना। बेटा फैक्टर इतना मार आई काम से मार दिया मेरे बॉस। बेटा फैक्टर आप ये भी तो मार दिया। मैं बॉलिंग करवाता हूँ। ना 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 मैंने करवाना, तीन बॉल है मेरे। अच्छा मार
चला मेरी बारी है, तेरी बारी है। नहीं यार सही गेम था। अब उसका गोटा फेंक कर चलते हैं। चलो अब इसको बताते हैं फिर क्या किया हमारे साथ। गोटा फेंक कर। इधर करो मैं। हाँ मम्मा को दो, कमर फ्रैक्चर हो गई अब। तो इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।